और इस समय की बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया की जो याचिका है वो खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था मनीष सिसोदिया ने, लेकिन फिलहाल अब उन्हें राहत नहीं मिली है। शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया लगातार सलाखों के पीछे हैं और उन्होंने जमानत याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सीधे रुख कर लेते हैं मेरे साथी गौरव श्रीवास्तव, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। गौरव, क्या बड़ी खबर है, एक बार फिर से बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को? बिल्कुल, देखिए मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने 17 अक्टूबर को जो है वो अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। हालांकि सुनवाई के दौरान तमाम ऐसे सवाल कोर्ट ने ईडी से पूछे थे और पूछा था कि क्या अभी तक जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है उसको एस्टेब्लिश कर पाई है ईडी। हालांकि इस दौरान लंबी सुनवाई भी और ईडी ने ये भी कहा कि वो इस बात पर भी विचार कर रही है कि वो आम आदमी पार्टी को एक्यूज बनाए। हालांकि ऑर्डर रिजर्व होने के बाद उम्मीदें बहुत थी आम आदमी पार्टी को, लेकिन आज जैसे ही बेंच बैठी उसने ये कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की जा रही है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी नोट किया कि ईडी ने जानकारी दी थी कि तकरीबन 6 से 8 महीने में जो ट्रायल है वो पूरा कर लिया जाएगा, और अगर ट्रायल पूरा नहीं होता है तो इसके लिए मनीष सिसोदिया जो है वो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। जी ठीक है गौरव, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।